आज का ये वीडियो ट्रेडिंग इन द जोन बुक पर आधारित है, जिसे फेमस राइटर मार्क डगलस ने लिखा है। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के बाद मार्क डगलस की ये दूसरी बेस्ट सेलर किताब है, जिसमें आप ट्रेडिंग करने के आसान तरीकों के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे गलत ट्रेड चुनने से बचें और स्टॉक मार्केट के झूठों से बचते हुए अपने मन चाहे रिजल्ट्स के लिए सही एक्शन लेने के तरीके सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लेसन से। लेसन वन, पर्पस टू राइट दिस बुक। लेखक ने इस किताब को इन उद्देश्यों से लिखा है। पहला, ट्रेडर यानी आपको ये समझाने के लिए कि आपका बिहेवियर और मेंटल एटीट्यूड रिजल्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, ट्रेडर को विनर माइंडसेट बनाने के लिए दूसरी टिप्स देने के लिए। तीसरा, ट्रेडर की पुरानी सोच और मान्यताओं के बारे में जागरूक करने के लिए, ताकि उन तरीकों को जानकर बदल सकें जो मन चाहे रिजल्ट्स पाने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेसन टू, कंसिस्टेंट विनर्स थिंक डिफरेंटली। इस लेसन में लेखक बताते हैं कि सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करना पूरी तरह से दूसरी गेम खेलने की तरह है। इसमें ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से सीखे हुए तरीकों से उन्हें जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि बदलती मार्केट के साथ बाजार के अनुसार तरीके अपनाने की जरूरत होती है। स्कूल में सीखे गए तरीके इस मार्केट में फायदा कमाने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए पुराने काम में ना आने वाले तरीकों को छोड़ने और नए फायदेमंद तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहें। सफल ट्रेडर ऐसी ही अलग सोच को अपनाते हैं, इसलिए पूरी मार्केट के कैपिटल का 90% फायदा भी वही कमाते हैं। उनके सोचने और काम करने के तरीकों को हम किताब के अगले लेसन में जानेंगे। चलिए अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन थ्री, योर थिंकिंग इज कॉज। कई लोग इस बात को नहीं जानते कि ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के रिजल्ट उनके सोचने के तरीके का रिजल्ट है। अगर आप इमोशनल होकर सोचेंगे तो अचानक से मार्केट ऊपर जाने या नीचे आने पर एक्साइटेड होकर शेयर को सेल परचेज करेंगे, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप विश्लेषक यानी एनालिटिकल सोच से आप शेयर्स में रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो उनके कीमत बढ़ने या घटने का क्या कारण है, अगली बार कब कब उनके उठने और गिरने की संभावना हो सकती है। इस तरह एनालाइज करने से उन शेयरों में निवेश करेंगे जिसमें ज्यादा फायदा और कम नुकसान होने की संभावना हो। लेसन फोर, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी आप शुरुआत में ही या कुछ ट्रेड करने के बाद एक के बाद एक ट्रेड लूज करने लगते हैं, तो एक तरह का डर लगने लगता है। दोबारा अपनी प्रॉफिट पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करते रहने से एक बिंदु पर आप पाएंगे कि ना तो आपका नुकसान रिकवर हो पाया और ना एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ। फिर आप अगली बार ज्यादा फायदा कमाकर दोबारा प्रॉफिट पोजीशन में आने के लिए बड़ा रिस्क लेने के पर्पस से मार्केट एनालाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में ही या कुछ दिनों बाद एक के बाद एक ट्रेड जीतने से कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन तब तक जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप अपने ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं या ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आज आप जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं बाजार उस दिशा में ही मूव हो रहा है, और इस तरह लगातार सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसके बारे में राइटर कहते हैं कि ये नेचुरल मानव स्वभाव है। जैसा कि हमने पहले जाना कि नेचुरल टेंडेंसी के अनुसार व्यवहार करना कम फायदेमंद लेकिन ज्यादा रिस्की है, इसलिए आइए जानते हैं कि इन नेचुरल टेंडेंसी पर कंट्रोल करके विनर माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस ये जानने में हेल्प करता है कि भविष्य में शेयर की कीमत लगभग कितनी कम या ज्यादा हो सकती है। इसे जानकर आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने और ट्रेडिंग में बने रहने के लिए सहायता मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर गौर करता है कि अपने चुने हुए शेयर का अभी बाजार में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले कुछ महीनों और सालों में इसमें कितनी ग्रोथ या गिरावट हुई है। ये तरीका ट्रेडर को इस पर ध्यान देने में हेल्प करता है कि चुने हुए ट्रेड के पास्ट और प्रेजेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी उसमें निवेश करना ठीक है या नहीं। राइटर कहते हैं कि एनालाइज करने का ये तरीका ज्यादा लॉजिकल और बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक नजरिया देता है कि अभी कंपनी की क्या वैल्यू है, आने वाले कुछ समय में कितनी हो सकती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल डेटा के आधार पर ये जानने में हेल्प करता है कि कितने रुपए निवेश करने से कितने रुपए का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। इसलिए ये अपने आप में प्रैक्टिकल तरीका भी है। ये इस फैक्ट पर आधारित होता है कि कुछ समय के गैप जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल में मार्केट एक ही तरह से व्यवहार करती है। मतलब अगर पिछले 10 सालों में किसी शेयर की कीमत बढ़ी है तो उसी दर से अगले 10 साल में बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है।
इसलिए ऐसे ट्रेड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद और कम रिस्की है। लेसन 5, एम्ब्रेसिंग रिस्क। हर कोई ट्रेडर जानता है कि जब वो कोई ट्रेड लेता है तो रिस्क की संभावना तो होती ही है, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% सुरक्षित और फायदेमंद नहीं होता। इस फैक्ट को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करें। रिस्क लेने और नुकसान हो जाने पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप नुकसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे तो बिना डरे ट्रेड करेंगे और रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के प्लान बना पाएंगे। और साथ ही अच्छे ट्रेडर की आदतों को अपनाएं। अच्छे ट्रेडर की आदतें। पहला, अच्छे ट्रेडर बिना पैसे गंवाने के डर के साथ ट्रेड करते हैं। दूसरा, वो एक ही तरीके में फंसे नहीं रहते, बल्कि जो तरीका काम नहीं करता उसे एक्सेप्ट करके आगे बेहतर तरीके की खोज में बढ़ते हैं। तीसरा, अगर उन्हें नुकसान हो तो बिना किसी भावनात्मक लगाव के उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इमोशनल जुड़ाव के चक्कर में अपना फाइनेंशियल नुकसान नहीं होने देते। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करने से डरते हैं तो अभी अच्छे ट्रेडर बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिस्क से बचने की कोशिश करेंगे फायदेमंद ट्रेड से उतना ही दूर रहेंगे, क्योंकि फायदेमंद निवेशों में भी रिस्क होता है। इसलिए रिस्क लेने से ना डरें, बल्कि रिस्क को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके सीख कर अपनाएं। इसके लिए ठीक से मार्केट एनालाइज करें। इस समय आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, जितना हो सके मार्केट वेरिएबल्स को सीख कर रिस्क को कम से कम करने का प्रयास करें। मार्केट वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई ट्रेड कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसा करने वाला है, जैसे उसकी मार्केट वैल्यू, मांग, पूर्ति, पीई रेशो, कंपनी सेल्स, कंपनी प्रॉफिट, लोन, रिजर्व अमाउंट आदि। दूसरा, अपनी ट्रेड प्लानिंग इस तरह बनाएं जिसमें जीतने के साथ हारने की संभावना भी शामिल हो। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि एक ट्रेड में 10 बार निवेश करने से कम एक बार प्रॉफिट हो जाता है, तो अपने पैसों को 10 बार निवेश करने के लिए ऐसे प्लान करें कि 9 बार के नुकसान को झेल लें और एक बार के प्रॉफिट से उसे कवर करते हुए फायदा कमाएं। इस तरह का ट्रेडिंग माइंडसेट अपनाने से आप ट्रेडिंग अनसर्टेनिटी कि अचानक मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे गिर जाए, इसका सामना कर सकेंगे और ट्रेडिंग करना आसान होने लगेगा। लेसन 6, फ्रीडम वर्सेस रूल्स। ट्रेडिंग हम में से कई लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये हमें अपने समय पर अपने अनुसार काम करने की फ्रीडम देती है और आप जो भी करते हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि हमारे व्यवहार को जांचने के लिए कोई बाहरी नियम या सीमाएं नहीं है, जिससे कभी कभी गलत ट्रेड में निवेश करने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए शांत दिमाग के साथ ट्रेड करना और अपने ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि आप सफलता के लिए अपने नियम बनाकर उन्हें अपनाएं। तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दिमाग में चलने वाले विचारों को कंट्रोल करें। इसके लिए नियम बनाएं जिससे आप अपने विचारों और व्यवहार को कामयाबी की दिशा में मोड़ सकेंगे, और अपने अगले स्टेप के लिए क्लैरिटी होने से आपके अंदर से डर की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और दूसरा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा। अपने आप पर नजर रखने से जब आप ज्यादा फायदा कमाएंगे तो लापरवाह होकर गलत निवेश करने से बचेंगे, और आप बाजार पर ध्यान देने से ज्यादा एक व्यापारी की तरह सोचने पर ध्यान देंगे। अगर आप अपने लिए ट्रेडिंग करने के नियम नहीं बनाएंगे तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। पहला, नियम बनाने की इच्छा खत्म हो जाना। इससे आप ये नहीं जान पाएंगे कि ट्रेडिंग के अपने मनचाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए किस काम में कितने एफर्ट्स और फोकस की जरूरत है, और उसमें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आप जरूरी स्किल्स नहीं जान पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे, जिससे संभावना है कि छोटी सी असफलता से ही नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाए। दूसरा, जिम्मेदारी लेने में फेल होना। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो असमंजस में ही फंसे रहेंगे। आप किसी और की बताई टिप्स के अनुसार ट्रेड करेंगे, जो हो सकता है कि उनके हिसाब से तो ठीक हो, लेकिन आप उसकी अच्छी जानकारी ना होने की वजह से प्रॉफिट ना कमा पाए। तीसरा, रैंडम रिवॉर्ड की एडिक्शन। बिना नियम या प्लानिंग बनाए निवेश करने से संभावना है कि आप किसी भी ट्रेड में निवेश कर देंगे जिसमें शायद कभी कभी ही फायदा हो, लेकिन ज्यादातर नुकसान ही सहना पड़े। इसके अलावा लंबे समय में ये तरीका पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट की समझ ही नहीं होगी तब तक आप एक फिक्स प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लंबे समय तक फायदा कमाना चाहते हैं तो तुक्के से ट्रेड ना चुने, बल्कि योजना बनाकर करें। चौथा, अंदरूनी और बाहरी कंट्रोल नहीं होगा। बिना नियम बनाए आप मार्केट के अनुसार इधर से उधर भटकते रहेंगे।
लेकिन नियम बनाकर उन्हें लगातार अपनाने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदत डेवलप हो जाएगी। बाहर आप हर किसी की बातों को सुनने या मानने की बजाय सिर्फ उन्हीं को सुनने की प्राथमिकता देंगे जिनसे आपके रिजल्ट्स में फायदा मिल सके, और अपने दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर सकेंगे ताकि इसमें ज्यादा फायदेमंद विचार आए। लेसन 7, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में राइटर विनर और लूजर ट्रेडर के बीच का अंतर बताते हैं। ट्रेडर चार तरह के होते हैं, विनर, लूजर, बूमर्स और बस्टर्स। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला, विनर ट्रेडर। पूरे ट्रेडर ग्रुप में सिर्फ 10% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो ज्यादातर समय प्रॉफिट कमाते हैं। उनका इक्विटी कर्व मामूली गिरावट के साथ तेजी से बढ़ता है। विनर ट्रेडर इस बात का ध्यान रखते हैं कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, यानी मार्केट से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे लें। दूसरा, लूजर ट्रेडर। इस कैटेगरी में ट्रेडर ग्रुप के 30-40% एक्टिव ट्रेडर शामिल हैं। ये कभी कभी तो विनर ट्रेडर की तरह फायदा कमा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर समय नुकसान ही उठाते हैं, क्योंकि ये लोग सीखने और मार्केट एनालाइज करने की बजाय अपने अनुमान या किसी और की टिप के आधार पर निवेश कर लेते हैं। तीसरा, बूमर एंड बस्टर्स। ट्रेडर ग्रुप के 40-50% लोग इस तरह के होते हैं जो पैसा कमाना तो सीख जाते हैं लेकिन ट्रेडिंग की जरूरी स्किल्स को नहीं सीखते। इसलिए एक बार तो फायदा कमा लेते हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान ही उठाते हैं। लेसन 8, कंसिस्टेंसी अ स्टेट ऑफ माइंड। विनर ट्रेडर बनने के लिए लगातार सही कामों को करते रहें, ट्रेडिंग को एक खेल की तरह देखें और उसके साथ ऐसे ही बिहेव करें। ट्रेडिंग को अपने लिए आसान बनाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला, स्टॉक मार्केट के उन टर्म्स को यूज करें जिनके साथ आप ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं। दूसरा, इसके प्रति अपने विश्वास, नजरिए और व्यवहार को पॉजिटिव बनाए रखें ताकि अवसरों को देखकर उनका फायदा उठा सकें। तीसरा, रिस्क लेना सीखें। राइटर कहते हैं कि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि किसी रिस्की ट्रेड में आप इन्वेस्ट कर दें, बल्कि रिस्क लेने का मतलब है कि अपने ट्रेड के रिजल्ट को बिना इमोशंस और डरे अपनाना सीखें। ट्रेड के दौरान गलत ट्रेड को चुनने, नुकसान हो जाने पर अच्छा अवसर मिस करने के बावजूद मानसिक रूप से खेल में बने रहने के लिए तैयार रहें। लेसन 9, द ट्रेडर्स एज, एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क। ट्रेडिंग के इमोशनल रिस्क को खत्म करने के लिए अपने आप को मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए पहले से तैयार रखें। ऐसा आप एक मार्केटियर के नजरिए से सोच कर कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मार्केट संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज के अनुसार चलती है, इसलिए संभावित मानसिकता को अपनाना जरूरी है। इसके लिए इन 3 सच्चाइयों को ट्रेड करने से पहले मान लें। पहला, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसे कमाने के लिए आपको इस पल यानी जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की हर मूवमेंट यूनिक है। लेसन 10, वर्किंग विथ योर बिलीव्स। इस लेसन में राइटर अपने विश्वास के साथ ट्रेडिंग करने के तरीके सिखाते हैं ताकि आप मजबूत विश्वास के साथ काम कर सकें। इसके लिए इन बातों के बारे में क्लियर रहें। पहला, आपका उद्देश्य क्या है। ट्रेड शुरू करने से पहले उसमें अपना टारगेट प्राइस सेट कर लें, यानी कि ये डिसाइड कर लें कि कितने प्रॉफिट पर आप इसे बेच देंगे। इसी तरह ट्रेडिंग से संबंधित हर स्किल, चाहे वो खरीदना हो, बेचना, स्टॉप लॉस आदि, सीखने से पहले अपना क्लियर उद्देश्य डिसाइड कर लें कि उसे क्यों सीखना चाहते हैं। इससे आपको वो स्किल सीखने में मजा आएगा और अच्छी तरह सीखकर उसे जल्द से जल्द अपने काम में आप अपना भी पाएंगे। दूसरा, स्किल्स क्या हैं? अपने आप को जांचें और पता लगाएं कि असल में अभी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं और कौन सी सीखने की जरूरत है। अपने प्राइमरी गोल को पूरा करने में सहायक स्किल को सबसे पहले सीखने को प्रायोरिटी दें, उसके बाद कम महत्व वाली स्किल्स को सीखें। इसे लगातार करते रहें। ऐसा करने से आप केयरफ्री माइंडसेट या चिंता मुक्त रहेंगे। तीसरा, केयरफ्री माइंडसेट क्या है। केयरफ्री का मतलब है आत्मविश्वास। जब आप केयरफ्री माइंडसेट में होते हैं तो आप किसी भी तरह के डर या हिचकिचाहट को महसूस नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप को मार्केट को समझने के काबिल बना रहे होते हैं। इसलिए आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का डर नहीं होता। आप सीख जाते हैं कि चढ़ती और उतरती दोनों मार्केट में कम से कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। चौथा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वो मेंटल स्टेट है जब आप मार्केट मूवमेंट के बारे में जो भी सीख रहे होते हैं उससे अवेयर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ओपन माइंडेड व्यक्ति बनने लगते हैं। पांचवा, अपने आप को अवेलेबल रखने का क्या मतलब है।
इसका मतलब है कि आप बिना किसी एजेंडा के मार्केट में चले गए। आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ट्रेड खरीदना है या बेचना है। आप बिना किसी एनालिसिस के उस ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी आपको मार्केट में मिल जाए। आपको याद रखना होगा कि पिछले लेसन में हमने ट्रेडिंग के तीन फंडामेंटल सच्चाइयों और जरूरी स्किल्स के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि कैसे फंडामेंटल सच्चाइयां स्किल से जुड़ी हैं। पहला, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर मार्केट में हमेशा एक अनजान फोर्स काम करता है जिसे हम डिमांड और सप्लाई के नाम से जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप काफी एनालाइज करके ट्रेड करें, लेकिन डिमांड या सप्लाई में मूवमेंट से कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखें। दूसरा, पैसे कमाने के लिए आपको इस पल मोमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सभी ट्रेड्स में से किससे ज्यादा फायदा कमाएंगे और कहां आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि मार्केट निश्चितता यानी पक्का आगे क्या होने वाला है इस टर्म पर नहीं बल्कि संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज पर चलती है। अपने पिछले ट्रेड अनुभव से आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आप 20 में से 12 ट्रेड जीतेंगे और 8 हारेंगे, लेकिन ये नहीं कि इनमें से कौन से नंबर का जीतेंगे और कौन सा हारेंगे। ये बाजार की संभावना पर निर्भर करता है। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि ट्रेडिंग संभावना का गेम है, कभी ठीक तो कभी गलत ट्रेड चुनने का, कभी जीत और कभी हार का गेम है, तो आप समझ सकेंगे कि इसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है और इस तरह आपकी उम्मीदें हमेशा संभावनाओं से जुड़ी रहेंगी। तीसरा, मार्केट का हर मूवमेंट यूनिक है। आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, यूनिक का क्या मतलब है। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, कि उसके जैसा ना अभी कोई है और ना पहले कोई हुआ। इसी तरह मार्केट की हर मूवमेंट भी यूनिक होती है। लेसन 11, द नेचर ऑफ बिलीव्स, विश्वास का ओरिजिन। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वास हमें उसके अनुसार एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं और एक्शन लेने से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि विश्वास बनते कैसे हैं और बदलते कैसे हैं, ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल सके कि ट्रेड के बारे में आप कैसे विश्वास करें। तो आइए जानते हैं कि विश्वास कैसे बनते हैं। पहला, वो यादें जिन्हें हम बार बार याद करते हैं और वो घटनाएं जिन्हें हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा, विश्वास बनाने में कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर भी काम करता है। जिन विचारों को आप ठीक मानते हैं और लंबे समय तक ठीक मानते रहते हैं, वो विश्वास बन जाते हैं। विश्वास कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पहला, ये हमारा नजरिया बनाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में आप जैसा विश्वास करते हैं उसे सच बनाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, वो हमारी उम्मीदें बनाते हैं। हमेशा याद रखें कि उम्मीद विश्वास का वो रूप है जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाने में भूमिका निभाते हैं। तीसरा, जो काम करने के बारे में आप सोचते हैं और कह रहे होते हैं वो पिछले विश्वास से प्रेरित होते हैं। चौथा, और एंड में हमारे बिलीव्स निर्धारित करते हैं कि रिजल्ट के बारे में हम कैसे सोचें। आप अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने में जितना मजबूत विश्वास करेंगे उसके बारे में उतना ही पॉजिटिव रहेंगे। बिलीव्स का ट्रेडिंग पर प्रभाव। बिलीव्स को ट्रेडिंग की फंडामेंटल सच्चाइयों के साथ इस्तेमाल करने के लिए इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझें। पहला, सभी सक्रिय विश्वास सच होने की डिमांड करते हैं। आप अपने विश्वास के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे ट्रेडिंग में उसके रियल बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। दूसरा, विश्वास काम करते रहते हैं बिना इस बात पर ध्यान रखें कि आप उस बारे में जागरूक हैं या नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपने अपने पिछले ट्रेड में कैसा परफॉर्म किया। इसका काफी संबंध उस ट्रेड के बारे में आपके पिछले विश्वासों से था। इसी तरह विश्वास हमेशा काम करते रहते हैं चाहे आप उन पर ध्यान दें या नहीं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आपकी सोच हर काम की वजह है। प्रैक्टिकल होकर एनालाइज करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ट्रेडिंग करते समय अपने अनुसार नियम बनाएं और उन्हें फॉलो करें। ट्रेड करने से पहले अपना टारगेट प्राइस सेट कर लें। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए अपने ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करें।